नमस्कार दोस्तों, मैं आज आया हूँ सुवर्णपुर जिला की डोंगरी प्राली ब्लॉक अंतर्गत बिनका और रामपुर तहसील में एक जगह है जिसको पूजा डोंगरी बोलते हैं। तो ये ब्यूटीफुल प्लेस है, तो चलिए देखते हैं इसमें देखने लायक क्या क्या होता है। आज ये प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे साथ देने के लिए आए हैं यहाँ के लोकल जो हमारा दुल्लो भाई है। तो दुल्लो भाई आज हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या देखने लायक जगह। तो दुल्लो भाई इसमें क्या क्या हम देखेंगे आज? नमस्कार दोस्तों, पूजा डोंगरी की 100 से 500 मीटर के दायरे में करीब 26 ग्रेनाइट पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इनमें से महत्वपूर्ण है उषाकोठी, बाघ डोंगरी और कबात तले। दोस्तों, जब हम पूजा डोंगरी में एक छोटे जानवर की फीकी पेंटिंग और बाघ डोंगरी में रहस्यमय डिजाइन देखते हैं, तो उषाकोठी में रॉक पेंटिंग का एक पैनल है और इसकी प्राचीनता 30 सहस्राब्दी वर्ष पहले की है, जब प्रारंभिक व्यक्ति मेसोलिथिक युग में था, जो शिकार संग्रहकर्ता के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था। इन्होंने माइक्रोलिथ का इस्तेमाल किया और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पेंटिंग के रूप में कला का प्रदर्शन किया। दोस्तों, पूजा डोंगरी सहित इन पहाड़ियों का प्राग ऐतिहासिक महत्व है। सतह की खोज से कुछ कलाकृतियों का पता चला है, जैसे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, माइक्रोलिथ, रिंग स्टोन, पीस स्टोन, सुलर, जले हुए हड्डी के टुकड़े, नीले हरे कांच की चूड़ी का टुकड़ा, कांस्य चूड़िया, लोहे के औजार के टुकड़े और लकड़ी की छड़े। पूजा डोंगर के पूर्व में एक सुरंग का नाम बाबा मठ है और इसे रहस्यमय साधुओं का निवास माना जाता है।
दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे गुफाएं हैं, जो बताया जाता है कि पहले जो मुनि ऋषि है यहाँ पर आके तपस्या करते थे, अपना जोग करते थे और साधना करते थे। आप देख सकते हैं चारों तरफ गुफा ही गुफा है। तो चलिए मैं आपको एक गुफा दिखाता हूँ अंदर से जाके। आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ी गुफा से भरा हुआ है, चारों तरफ गुफा। आप देखिए दोस्तों पूरा पहाड़ी गुफा से भरा हुआ है। जहाँ भी देखो बड़े बड़े शिला है और उसके अंदर गुफाएं हैं। दोस्तों ये बताया जाता है कि भालू गुफा है और पहले यहाँ पर भालू और बाघ रहते थे। देखिए इस गुफा को कितना खतरनाक गुफा है। अगर आप गुफा तक पहुंचना चाहते हैं और पहाड़ चढ़ना चाहते हैं तो सावधानी बरती है, क्योंकि ये जो पहाड़ है पूरा ढलान है। अगर गलती से आपकी पैर खिसल जाएगी तो आप नीचे गिरेंगे, तो सावधान से पहाड़ चढ़िए। दोस्तों यहाँ का जो ज़मींदार थे वो जो इंग्रेज के साथ लड़ाई करते थे, तो लड़ाई के वक्त वो इधर आके आके छुपते थे। और आप देखिए ये जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं इसमें उनका बैठक चलता था, और इन्हीं से रणनीति तैयार किया जाता था कि कैसे इंग्रेज के साथ लड़ाई लड़ा जाए। और देखिए बिल्कुल शांत परिवेश है और ये गुफा है। दोस्तों आज पूजा डूंगरी में पूरा दिन निकाला है और मेरे साथ पूरा दिन थे दुल्लो भाई। तो दुल्लो भाई बताइए तो ये जगह कैसा है? ये जगह पहले इंग्लिश से लड़ने के लिए बनाए गए थे यहाँ। पहले बताइए अभी हम कहाँ बैठे हैं? अभी हम जो बैठे हैं यहाँ गणमारू बोलते हैं यहाँ के लोकल लोग। हाँ। इसे जमींदार लोग अपना ये बनाए थे और वहाँ से अंग्रेज के साथ लड़ाई करते थे। अच्छा, तो ये जगह बिल्कुल सेफ है। नीचे से वहाँ इस जगह को नहीं दिखता लेकिन यहाँ से पूरा डिटेल्स दिखता है। हाँ। तो यहाँ से अपना स्टैंड गन वगैरह सर वगैरह रखते थे और सीधा यहाँ पे पूरा शूट करते। मतलब नीचे से यहाँ तक 300 फीट ऊंचाई होगा। हाँ, तो 300 फीट में ऊपर बैठ के जमींदार निशाना साधते थे इंग्रेज को, लेकिन नीचे जो इंग्रेज वो उनको नहीं देख पाते थे, ऐसी लड़ाई लड़ते थे। और इसकी जो पूरा पूजा डूंगरी है उसका अनुभव कैसा है आपका? ये तो पूरा कूल एंड शांत परिवेश है। यहाँ ऋषि मुनि लोग आके शाम से बैठ के साधना करते थे। अच्छा, ये ऐतिहासिक पीठ था, उनका स्पंदन है बाबा जी का, उभा बाबा का पीठ है यहाँ पे माता चा। नहीं, यहाँ पर जो उषा कोठी है, उषा कोठी में यहाँ देखने को क्या क्या है? उषा कोठी उसमें तीन चीज मेन है, एक होता है उषा कोठी, एक पूजा डूंगरी और एक ये गणमारो बाबा पेट चंदली पाट। हाँ, चंदली पाट। तो तीन चीज होता है। तो उषा कोठी जो है, उषा कोठी में प्राक ऐतिहासिक काल के जो लोग मानव है, हमारा जो पूर्व पुरुष है, यहाँ पर रहते थे और उनका प्रिंटिंग आज भी मौजूद है शिलालेख में। शिलालेख में मौजूद है, शिलालेख में मौजूद है। दुर्गा माता का है चित्र। हाँ। अरे डियर का है, ये जो उनका अस्त्र का थोड़ा थोड़ा चित्र, वो
पानी मारने से पूरा ठीक से दिखाई देता है। ऐसे ऐसे तो प्रिंटिंग अच्छा से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर उसका ऊपर पानी छिटकेंगे तो पूरा ठीक से दिखाई देता है, तो अच्छा निखर के दिखता है। तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि जो प्राग ऐतिहासिक काल में लोग बातचीत नहीं करते थे, इसलिए अपना जो फीलिंग्स भावना को दूसरों को दिखाने के लिए वो प्रिंटिंग करते थे, तो वो प्रिंटिंग आज भी मौजूद है। और एक चंदली पाठ है, जो माता चंदली पाठ की पीठ है, तो वो भी फेमस है। लगभग आप यहाँ आएंगे तो एक अच्छा सरप्राइज मिलेगा आपको कि एक पंच पहाड़ है जिसमें तीन पहाड़ एक साथ एक रेखा में स्थित है, और उसमें आप बहुत सारे चीज़ देख सकते हैं। और पूजा डूंगरी में बहुत सारे गुफाएं मौजूद है, और गुफाएं को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चंदली पाठ में आप देख सकते हैं कि उसमें माता चंदली पाठ का जो पीठ है, और एक बड़ा पैकेज है। आप अगर सुवर्णपुर, बौद्ध, बलांगीर, बरगढ़, संबलपुर में रहते हैं तो ये जगह आपको नज़दीक है, तो एक बार आके उसको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है वो बहुत अच्छा है। मेरे को जो अनुभव हुआ है बहुत खूबसूरती अच्छा है, लेकिन उसको विकसित अभी किया जा रहा है, और सुवर्णपुर का जो पर्यटन मानचित्र में उसको अभी त्याग किया गया है, उसको विकसित करने के लिए अभी ध्यान दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे 2-3 साल में एक बढ़िया सा टूरिस्ट हब बन जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा एक बार दोस्तों और फैमिली के साथ इस स्थान को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसमें एक मेला भी होता है, मेला होता है कार्तिक के महीने लगता है। हाँ। तो विराट मेला लगता है यहाँ के, लाखों के तादाद में लोग आते हैं। वहाँ का नाम होता है 9 दिन का, लोगों को मुफ्त में खाना दिया जाता है, नाम करते हैं। वहाँ का जो मेला लगता है वो मीना बाजार भी आता है, बहुत सारा प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम में। अच्छा, लेकिन साल भर पर्यटक आते हैं, थोड़ा थोड़ा आते हैं, लेकिन मेला में ज़्यादा संख्या में आते हैं। शीत महीने में, ठंड के महीने में, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पर्यटक का भीड़ लगता है। जनवरी का नया हैप्पी न्यू ईयर जो मनाने आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ, सारे जगह पे लोग भोजी भात करते हैं, आराम से एंजॉय करते जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का था पूजा डूंगरी का ब्लॉग, यहीं पर समाप्त करते हैं।